क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यहाँ पे ये है कि जो केन नदी है, केन नदी के जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए मुफ्त मोहरम नहीं दी जा रही है। प्रशासन पुलिस भी परेशान कर रही है। कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए, व्यक्तिगत अपने घर के लिए ला रहा है, शौचालय बनाने के लिए ला रहा है, उसमें पुलिस परेशान कर रही है और FIR करके उनको जेल भी भेज देती है। और यहाँ पे खनन हो रहा था माफियाओं का बांदा जिले में, तो हमने एक मुद्दा उठाया था किसानों को मुफ्त मोहरम दी जाए और माफियाओं को, जो NGT हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगी हुई है कि अवैध खनन नहीं कराया जाएगा, JCB पाइप लाइनों को द्वारा। हमने 21 तारीख को शासन को अवगत कराया था, 21/6/2017 को अवगत कराया था, और 24 तारीख को हमने कलेक्ट्रेट में धरना भी दिया था जिलाधिकारी के यहाँ, जिसमें ADM साहब थे, उन्होंने ज्ञापन लिया था और मुख्यमंत्री जी के नाम पे हमने ज्ञापन सौंपा था कि, और एक दिन दो दिन का समय दिया था कि यदि खनन बंद नहीं हुआ, किसानों को मुफ्त मोहरम नहीं दी गई, तो आगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी, अनशन कार्य किया जाएगा। फिर इसके बाद जब ये कार्रवाई नहीं हुई तो हमने 26 तारीख को क्रमिक अनशन किया, 28 तारीख को कार्रवाई हुई, जिसमें JCB पाइप लाइन पूरे जिले में खदानों का छापा पड़ा, जिसमें शासन ने सिद्ध कर दिया कि खदानें यहाँ अवैध चल रही हैं, और गरीब किसान मजदूर लोगों को घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए मोहरम नहीं दिया जा रहा है। उषा जी, ये गांव कौन सा है? ये गांव अलोना है, जो तिनवारी ब्लॉक है, तहसील पैलानी है, जिला बांदा है। आपके ऊपर ये जो मुकदमा केस दर्ज हुआ, ये कब दर्ज हुआ और किसने कराया? ये नारायणी विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं कबीर जी, और ये बालू माफियाओं ने मिल करके इन लोगों ने हमारे मुकदमे दर्ज कराया था कि ये लोग फर्जी मुकदमा है। कौन सी धारा लगी है इसमें? SC Act भी लगा हुआ है, और 5 लाख मांगने की भी वो लगाए हैं, और उन्होंने जिसने लगाया है कोरी जी ने, तो उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे विधायक की छवि खराब की जा रही थी, और उसने ये सब रिकॉर्ड भी इसमें दिया है, जबकि FIR पहले 28 तारीख की लिखी गई है, लेकिन 28 को काट के 20 को दिखाया गया।